युवा अगर किसी काम को करना चाहे उसे सफलता जरूर मिलती है। तो ऐसे में हम हरियाणा के जो हिसार जिले के गांव है गोरछी में है, यहाँ इन्होंने मधुमक्खी पालन में एक देश भर में अपना एक नाम रोशन किया है। ये शुद्ध ऑर्गेनिक और एक शुद्ध फार्मिंग करके इन्होंने पूरे देश भर में अपना जो शहद सप्लाई किया, और उसके साथ साथ इन्होंने इतनी तरक्की की है कि जो सालाना इनकी इनकम 12 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमाते हैं, और साथ के साथ पूरे देश भर में इनका शहद सप्लाई होता है। ऐसे में इनको बताना चाहूंगा कि इनको सरकार द्वारा भी ये जो मेले लगते रहते हैं बुलाया गया है, और साथ के साथ इन्हें सरकार द्वारा ग्रांट भी दी गई है। तो हमारे साथ है विशाल प्रचार, तो इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने एक डिग्री 2-3 डिग्री भी की हुई है, तो इन्होंने इनसे जानेंगे कि जो शहद की जो फार्मिंग है वो किस तरीके से की थी। विशाल जी आप ये बताएं कि आपने किस तरीके से शहद की फार्मिंग की शुरू की थी। नमस्कार जी। तो शहद का काम मेरे पिताजी 2009 से कर रहे हैं। उसके बाद में कोरोना के टाइम पे मैंने इसको खुद की अपनी जो पैकेजिंग है जो जगदेव ब्रांड से उसको स्टार्ट किया था। अभी हम इसको ऑनलाइन भी बेच रहे हैं और ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो शुरुआत की थी, तो इसके लिए अगर बॉक्स की बात की जाए, एक बॉक्स में कितनी मधुमक्खी होती है और उसको किस तरीके से आप अपना शहद का आगे उत्पादन करते हैं? सर एक बॉक्स में तकरीबन 10 शीटें होती हैं। आप मधुमक्खी की बात करें तो लगभग 1 लाख ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, और जो बॉक्स का जो प्रोडक्शन है वो एक हफ्ते के अंदर लगभग ये मान लीजिए 10 किलो के आसपास निकल जाता है। और हमारे पास 250+ बॉक्स हैं, तो हमारा जो वीकली प्रोडक्शन है वो तकरीबन आप ये मान लीजिए 500 किलो से ज़्यादा है। और हमारे पास अभी 13 अलग अलग फूलों के शहद हैं, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा तो ये अलग अलग शहद है हमारे पास, वो अलग अलग फूलों से निकाले गए हैं। तो अगर बात की जाए, अगर इस शहद की जो आपने 12 प्रोडक्ट्स अलग अलग है, तो ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जी सर, जैसे ये है यूकलिप्टस का, ये सफ़ेदे का शहद है, सफ़ेदा जो नहर की साइड में लगता है। इसके अलावा ये वाला जो शहद है वो अजवाइन का है, अजवाइन हम राजस्थान से निकालते हैं। अजवाइन के अलावा वहाँ से हम तुलसी का शहद भी लेते हैं। हरियाणा में हमारे पास मस्टर्ड का शहद भी है। इसके अलावा हम उत्तराखंड से लीची का शहद, और ऐसे ऐसे हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के लगभग 12 अलग अलग फूलों के शहद हैं जो हम अलग अलग स्टेट से लेते हैं। तो जैसे कि आप जो शुगर के मरीज है, उसके लिए आपने किस तरह का अलग से शहद तैयार किया है? सर शुगर वालों के लिए सिर्फ हमारे पास एक प्रकार का है जो कि अजवाइन का है, सिर्फ अजवाइन वाला ही खा सकते हैं, वो बाकी शायद नहीं खा सकते। तो जैसे आप उत्पादन जो करते हो, कितना सालाना उत्पादन हो जाता है, मंथली कितना हो जाता है, तो और इसको कैसे आप अपना प्रोडक्ट को पूरे देश भर में बेचते हैं? अभी हमारे जो बॉक्सेस हैं वो यूपी में है, यूपी में अभी जामुन का शायद निकलेगा, उसके बाद में हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 महीने कोई शायद निकलता ही नहीं है। उसके अलावा जो उसके बाद है जो सरसों का बेरी का, वो शायद स्टार्ट हो जाएंगे, वो हमारा पीक सीजन होता है। उस टाइम पे हमारा ये मान लीजिए हफ्ते में लगभग 500 किलो और महीने में लगभग 2000 किलो के आसपास प्रोडक्शन हो जाता है। और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास ये मान सकते हैं आप 8000 से 10000 के बीच में शायद रखा हुआ है, उसको हम आगे सेल करते हैं और अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। अगर मुनाफे की बात की जाए, तो सालाना मुनाफा कितना आ जाता है आपको? सर आप ये मान सकते हैं मंथली लगभग 1 लाख के आसपास मुनाफा हो जाता है। उसके अलावा अलग अलग कॉस्ट होती हैं, जैसे जो बॉक्सिस की कॉस्ट होगी, बीज की कॉस्ट होगी, इसके अलावा उनकी जो फीडिंग की कॉस्ट होगी और ट्रैवलिंग की कॉस्ट होगी, तो वो लगभग आप 8 से 8 लाख के आसपास कॉस्ट मान लीजिए, और जो मुनाफा है पर मंथ 1 लाख के आप आसपास आराम से कमा सकते हैं। अगर आपकी बात की जाए, तो आपने अपने और कितने साथियों को रोजगार के अवसर दिए हुए हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं? सर अभी हमारे पास जो अभी यहाँ पे है गोरची के अंदर, वहाँ पे जो 2 पैकिंग वाले रखे हुए हैं, इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग वाले भी हैं, सेल्स वाले भी हैं, जो ये डिज़ाइनर्स हैं वो हैं, तो तभी तकरीबन हमारी जो टीम है वो 15 लोगों की है, जो अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवीज़न कर रखी है हमने वर्क की। वैसे है अगर इसकी बात की जाए, आपका जो शुद्ध शहद है पूरे अगर देश भर की बात की जाए, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, किस तरीके से आप इसको भेजते हैं लोगों के पास, और आपकी शहद की खासियत क्या है? सर, सप्लाई की अगर बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर हम सप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमारे जो मेन है उनमें चेन्नई भी है, केरला भी है, दिल्ली भी है, पंजाब भी है, तो हम अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा हम भेजते कैसे कैसे हैं, तो हमारे पास ये खुद की रिटेल पैकेजिंग भी है, बल्क पैकेजिंग भी है। कोई अगर हमारा ये शहद ले करके खुद बेचना चाहे, बल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहे, वो चीज़ें भी हम करते हैं। और अगर रिटेल में कोई खुद अगर सिंगल बोतल भी बाय करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, जियो मार्ट पे भी है, उन सब पे भी है, और डायरेक्टली अगर आप हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके आगे बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर इसकी बात की जाए आपके जो शहद की क्वालिटी की, क्योंकि आजकल मिलावट काफ़ी आ रही है,
तो आप कैसे दावा करते हैं हमारा 100% शुद्ध शहद है? सर एक तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, मतलब हमारा जो जीरो है और जो एंड प्रोडक्ट है वो सारा का सारा हमारा खुद का है, तो मिलावट अगर कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि हम ही खुद सारा काम कर रहे हैं तो मिलावट का कोई चांस बचता ही नहीं है। और हमें, मेरे पिताजी को पिछले 15 साल से ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी डीप नॉलेज हो गई है कि मधुमक्खी कैसे शहद निकालती है। और कभी कभार अगर हमें दूसरी जगह से बाय भी करना पड़े तो भी हम उसकी पहले टेस्टिंग करवाते हैं, फिर उसको आगे ले करके आगे बेचते हैं। अगर आपने टेस्टिंग की बात की तो आपकी कहाँ से शहद की क्वालिटी अप्रूव्ड है, कहाँ कहाँ से है? सर एक तो हमारा FSSAI से भी अप्रूव्ड है, इसके अलावा हमने जैविक भारत भी कर रखा है, और इसके अलावा जो पूषा कृषि है IARI, हमने वहाँ भी टेस्टिंग करवाई है। इंटरटेक जो एक दिल्ली की बड़ी लैब है वहाँ से भी, तो जो जो बायर आते हैं हमारे पास उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें आगे वो एक्सपोर्ट करना है या फिर खुद के लिए चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें अलग अलग टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं, ग्लूकोज का, मॉइस्चर का, या फिर अलग अलग चीज़ों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनके स्पेसिफिक भी होते हैं, वैसा भी होता है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, सरकार इस व्यापार को जो बढ़ावा देने के लिए आम व्यक्ति को, मधुमालक उसको, पालक को कितनी मदद करती है? सर मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी मदद करती है, जैसे हरियाणा के अंदर IBDC रामनगर है, वहाँ पे जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद में वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, बॉक्स के ऊपर अलग सब्सिडी है, अगर आपको बोतल्स बाय करनी उस पर भी है, बाल्टियों पर भी है, हर चीज़ के ऊपर है। मतलब वो तो ये है सर कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आपको रास्ता दे रखा है उन्होंने, कर सकता है कोई भी। अगर आपकी खुद की फार्मिंग की बात की जाए, तो आपने अपने फार्मिंग के माध्यम से कितने लोगों को निशुल्क ट्रेनिंग दी है, जिसके माध्यम से वो आज इस तरह का काम कर रहे हैं? सर हमने अभी तक 40+ लोगों को ट्रेनिंग दी है, और तकरीबन आप ये मान सकते हैं उसमें से 10 लोग अभी जो वो है खुद मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और हम इस चीज़ को आगे और बढ़ावा भी दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन भी। और ऑफलाइन जो हमारा है कि आप हमारे खुद के फार्म पे आइए, खुद काम कीजिए और खुद सीखिए, क्योंकि आप खुद जब चीज़ें करते हैं तभी आप सीख पाते हैं, ऑनलाइन में आप देख करके इतना चीज़ें नहीं सीखते। जब उसको यहीं पे आगे फार्म पे अगर प्रैक्टिस करेगी, जब आपको मधुमक्खी काटेगी तभी आपको समझ आएगी कितना दर्द होता है और आप इसको काबिल हैं या नहीं है। अगर इसकी बात की जाए कि जो किसानों से किस तरह की आप अपील करोगे, खासकर युवा जो आजकल पढ़े लिखे युवा है, अगर इस फील्ड में काम करे तो उन्हें किस तरह की तरक्की मिल सकती है? सर एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में जो गैप है, मतलब जो बाकी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो जो शहद बेच रही हैं और जो अपने वाले में है, उनमें डिफरेंस है। जैसे आपने देखा अलग अलग कलर के शहद है हमारे पास, तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा वो कोम हनी भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा बी पोलन भी, और अन्य अन्य अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो वो निकाल करके बेच सकते हैं। अगर वो आगे और एडवांस आए तो बी वेनम होता है जो जहर होता है, वो भी, प्रोपोलिस भी, अन्य अलग अलग चीज़ें हैं। और कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है, वो सबसे पहले चीज़ों को देखे, सीखे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हमें कैसे कैसे करना पड़ता है, वो प्रोसेस अगर समझ गए तो खुद कर सकते हैं और आगे और किसानों को भी सिखा सकते हैं, जैसे हमने खुद किया है। अगर शहद की बात, क्या क्वालिटी है थोड़ा बताएं, कौन सा हाँ है वो? तो हमारे पास जो शहद है वो सुपर बी बॉक्स का है, मतलब जो बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स रखते हैं वहाँ से जो शहद निकलता है, इस शहद को हम कोम बनी बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा जो आप डायरेक्टली जो छत्ता होता है हम उसी को काट करके सेल करते हैं, ये आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद से शहद पालन करती नहीं। जैसे आपने सुना होगा किसी ने शुगर सिरप मिला दिया, किसी ने राइस सिरप मिला दिया, तो हम खुद पालन करते हैं और खुद हमारे पास ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमारे पास एक डिफ्रेंशिएटर ये है कि एडवांटेज ये है कि हम खुद ही निकालते हैं और इसको हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, इसमें मॉइस्चर भी काफ़ी कम होता है और शुद्धता काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। अगर भविष्य की बात की जाए, तो भविष्य में आगे का आप लोगों का क्या प्लान है? सर अभी हम जैसे आपको बता रहा था हमने ऑर्गेनिक में भी आ गए हैं, तो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल हम केरला से कर रहे हैं, इसके अलावा जैगरी पाउडर, और आगे अलग अलग स्पाइसेस में भी। और ऑर्गेनिक के अंदर हम वहाँ पे हमारी गेहूं, बाजरा और चना वगैरह सब कुछ यहीं पे निकाल करके आगे इसको पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। तो क्योंकि अब इसको इससे हम रूरल टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे और हम चाहते हैं कि लोग खुद आ करके चीज़ें देखें कि हम कैसे निकालते हैं, उनको एक संतुष्टि होगी तभी वो बाय करेंगे। आप ये बता रहे हो कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन वो कैसे इसको वो करते हो आप? ऑफलाइन में तो जैसे आप अभी हमारे फार्म पे आए हुए हैं तो वैसे और लोग भी आ करके इसको ले सकते हैं, और ऑनलाइन में हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे B2B के लिए हमारे पास इंडिया मार्ट है, और D2C के लिए हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, इन सब पे हम रजिस्टर्ड हैं, और हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन GST वगैरह सब कुछ फाइल भी कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर वे है, सिस्टम बना रखा है, उससे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब आपने आगे भविष्य में मतलब किस तरह का सोचा है कि इसको फार्मिंग कैसे बढ़ाई जाए, ताकि लोगों में और जागरूकता आए? तो एक तो सर अभी हमारे पास जो खुद का जो प्रोडक्शन है वो वीकली 500+ है, और हम ये चाह रहे हैं कि आगे हम सुपर बी बॉक्सेस और भी लें, और हम जो नहीं कर पा रहे हम बाकी किसानों को भी सिखा रहे हैं, तो एक पूरा पूरा एक टीम बना रहे हैं हम
कि अगर हमारा जैसे अभी जो पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम सिर्फ हम हमारा खुद का बेच पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम हमें बाकी लोगों से भी लेना पड़ता है, तो हम उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, वो चीज़ें करवा करके आगे बेचते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं पूरी पूरी बड़ी टीम बन जाए, क्योंकि हमारा खुद का तो अभी काम अच्छा चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं बाकी किसानों का भी फायदा हो, तो हम उनसे भी इजीली ले पाएं और आगे प्रोडक्शन हमारा बढ़ा पाएं। जी, हमारे साथ विशाल के जो फादर हैं राजवीर जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी, तो इनसे हम जानते हैं कि आपने कब से इसकी शुरुआत की थी, आपके मन में कैसे आया कि इस काम को मैं ऐसे करूं तो इससे फायदा हो सकता है। 2009 से स्टार्टिंग करी थी जी। मैं पहले मैं खेती बाड़ी करा करता, 2009 तो शुरू करी, दो 2009 तो शुरू करके ना मैं उस टाइम तो को 40 एक बॉक्स ले आया था। उसके बाद बढ़ते रहे बढ़ते रहे, काम शुरू मेरा चलेगा। मैं सिर्फ ये पैकेजिंग कौन करा करता, सीधा बाल्टी हम भरिया आड़ते ले जाते हुए शायद पैसे दे मैंने तो। अगर आज की बात की जाए, आज आपके पास टोटल कितने बॉक्स हैं और कितनी मधुमक्खियां आपके पास टोटल होंगी अभी? 100+ बॉक्स हैं जी मेरे मेरे पास, और मेरा लड़का है ये जो पैकेजिंग वाला है, और ये वो संभाला है। मैं मक्खी मेरी मधुमक्खी से मारूँ, खेती बाड़ी से मारूँ। किसानों से आप अपील क्या करना चाहोगे कि मैं किस खेती खेती के साथ क्या क्या और काम किए जाए इसके साथ, ये वाला? सान्यातार ये जो नौ नए जवान छोरे नौकरी की पिछाड़ना नहीं, उसका कोई फायदा को नहीं। आपका मधुमक्खी या और कोई पालन, जिस तरह सूर पालन भेड़ फार्म और करेगा तो ठीक रहेगा। मैं भेड़ फार्म भी करे है, पोल्ट्री फार्म भी करे है, इसमें मेरा ठीक सिस्टम जचा है, उनमें मैं थोड़ा फैल भी आया हूँ। खेती बाड़ी के साथ साथ ये तीन चार चीज़ जो नौजवान छोरे नौकरी के पीछे भागने के बजाय यो काम करेंगे तो ठीक रहोगे, मैं तो यह कहना चाहूँ। जी रिश्ता इसी तरह मेरे को बोले छोड़ दूँ, वहाँ छोड़ दे, मैं अपना यो काम कर ले। ये है विशाल और राजवीर जो पिता पुत्र है, इन्होंने इसमें शहद का जो मशरूम पालन करके और पूरे देश में काफी इन्होंने सप्लाई किया है, और विशाल ने काफी डिग्री हासिल करने के बाद इस फील्ड में काफी तरक्की हासिल की है, और खासकर इन्होंने जो शुगर के जो मरीज है उसके लिए एक अलग से वो जो शहद का निर्माण किया, जो शुगर काफी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। तो ऐसे में इनके पिता की भी यही अपील है कि अगर युवा मेहनत लगन निष्ठा से काम करे तो जीवन में तरक्की कर सकता है।